आरक्षण के मसले पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ किया है कि एक वीडियो आरक्षण को लेकर सर्कुलेट किया जा रहा है, उससे आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है। और यह भी साफ किया कि संघ आरक्षण का समर्थन करता है और शुरुआत से ही समर्थन करता रहा है। वायरल वीडियो में कई बातें जो है वो गलत है। साफ साफ संघ प्रमुख मोहन भागवत की ओर से कह दिया गया है, संघ आरक्षण के विरोध में नहीं है, इस बात पर जोर दिया गया। आरक्षण के मसले पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये बात साफ की है कि वीडियो जो सर्कुलेट हो रहा है आरक्षण को लेकर, वो सरासर गलत है, भ्रांति फैलाने वाला है। एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे कर रहे, अंदर जाके कहते आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। तो आरक्षण के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं। शाह ने कहा कि जब तक देश में बीजेपी की सरकार है तब तक एससी एसटी ओबीसी आरक्षण को कुछ नहीं होने देगी, ये मोदी की गारंटी है। अमित शाह ने कहा कि सरकार ओबीसी आरक्षण को कुछ नहीं होने देगी। तो एक तरफ मोहन भागवत ने क्लैरिटी दी है, वहीं आरक्षण के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं। शाह ने कहा कि जब तक देश में बीजेपी की सरकार है तब तक एससी एसटी ओबीसी आरक्षण को कुछ नहीं होने देगी। राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस पर वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही पीएफआई जैसे संगठन से वायनाड में सहयोग लेने का भी बड़ा आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लगाया गया। कांग्रेस के साहजादे का बयान सोच समझकर वोट बैंक की राजनीति करने के लिए तुष्टीकरण के लिए दिया गया बयान है। याद रखिए, साहजादे ने राजा महाराजा को बुरा भला कह दिया, उनकी तो आलोचना कर दी, लेकिन भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है। वही कांग्रेस के जो है जिसने वोट के लिए पीएफआई जो आतंकवाद को पनाह देने वाला देश विरोधी संगठन, जिस पर मोदी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, ऐसे पीएफआई आतंकी संगठन का चुनाव में मदद करने के लिए, उनकी मदद लेने के लिए वायनाड में एक सीट जीतने के लिए आप उसको सरेंडर कर रहे हो, उनके कारनामों का बचाव कर रहे हो, लेकिन भाजपा सरकार ने देश और समाज विरोधी पीएफआई को बंद किया है, उससे बड़े बड़े खैरखा जेलों में सड़ रहे हैं भाई।
और वहीं अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी को अमेठी की गौरीगंज विधानसभा सीट से सपा विधायक राकेश प्रताप ने खुला समर्थन देते हुए वो दिखाई दिए हैं, जिस पर स्मृति ईरानी की ओर से एक बड़ी बहन की तरह हमेशा उनका साथ देने का वादा किया गया है। दरअसल आपको बताते चलें कि गौरीगंज में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में दोनों ही नेता पहुंचे थे, जहां समाजवादी पार्टी की ओर से स्मृति ईरानी को पूरा समर्थन देने की बात कही गई। दरअसल आप ये समझिए कि गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप समाजवादी पार्टी में रामलला पर की जा रही आपत्तिजनक टिप्पणियों से नाराज हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अपनी नाराजगी जो है वो मैं खुलकर जाहिर करूंगा, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायक ने स्मृति ईरानी को समर्थन दिया है, स्मृति ईरानी ने भी उतना ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स उन्हें दिया। निश्चित रूप से कष्ट हुआ होगा कि जो अपने दिन की शुरुआत अपने आराध्य की सेवा से करता हो, अपने ही घर के मंदिर से, उस व्यक्ति को निश्चित रूप से कष्ट हुआ होगा जब जिस राजनीतिक पार्टी का वो वर्षों से साथ दे रहा हो, उस पार्टी की पॉलिटिक्स की वजह से उसके आराध्य का अपमान उस व्यक्ति को सहन करना पड़ा। लेकिन आज अपने आराध्य के लिए जो शब्दों की लड़ी उन्होंने आराध्य के चरणों में प्रस्तुत की और राष्ट्र के इस संकल्प को उन्होंने आज आप सबके सम्मुख प्रस्तुत किया, मैं आज उसका सम्मान करती हूँ कि मैं राज्य समाजवादी पार्टी का करता हूँ, मैं विधायक समाजवादी पार्टी का हूँ, लेकिन मैं उन व्यक्तियों का सम्मान कैसे कर सकता हूँ और उन व्यक्तियों के बगल में कैसे रह सकता हूँ जिनके द्वारा रामायण की प्रतियां जलाई जा रही हो, जिनके द्वारा पूज्य तुलसीदास को गाली दी जा रही हो, जिनके द्वारा हिंदू धर्म को धोखा कहा जा रहा हो, सनातन धर्म को ढोंग कहा जाता हो, उसके साथ में कैसे बैठ सकता हूँ, उसके साथ में कैसे राजनीति को अपने आगे बढ़ा सकता हूँ। वहीं यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट पर टिकट को लेकर कांग्रेस अभी तक असमंजस में बनी हुई है। कल रात हुई कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अमेठी और रायबरेली सीट पर फैसला नहीं हो पाया। सूत्र ये कह रहे हैं कि इस बैठक में अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने का अनुरोध किया गया है। हालांकि सीईसी ने यह फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी छोड़ दिया है। बीजेपी की ओर से भी लगातार इस बात को लेकर चुनौती दी जाती रही है कि अगर हिम्मत है तो राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़कर दिखाएं। उत्तर प्रदेश की हॉट सीट और कांग्रेस की पारंपरिक सीट अमेठी पर अभी तक कांग्रेस की तरफ से किसी भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान ना होने से कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कल देर रात कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कांग्रेस के दिग्गज नेता जुटे, मौका था अमेठी और रायबरेली सीट पर उम्मीदवार के नाम पर फैसला करने का। सूत्रों के मुताबिक सीसी की बैठक में अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने पर मंथन हुआ। सीसी के सदस्यों, यूपी के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे और विधायक दल के नेता ने भी राहुल और प्रियंका गांधी को ही उम्मीदवार बनाने का अनुरोध किया। हालांकि सीसी ने ये फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ दिया है, जिसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर कटाक्ष कर दिया। हम यहाँ पर लोगों के डिमांड के वजह से वहाँ भेजे। अब आगे की बात है, थोड़े दिन ठहरो और रायबरेली और अमेठी में कौन से कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि मेरे को तो साइन करके भेजना पड़ता ना, तो मैं देख के ही मैं आपको बोलूँगा ये कैंडिडेट हमारा है तो डाल रहे हैं। हमारी जो इलेक्शन कमेटी है उसमें तय होता है, उसका हमने गैजेट नोटिफिकेशन निकालेंगे, अगर है तो अध्यक्ष आने के बाद साहब को एक कॉपी भेजो। मोदी जी के काम से लोग खुश हैं, जितना मैं घुमा हूँ यहाँ पे इतना प्यार मिला है, इतना सभी का सहयोग मिला है कि इस सीट पे अवश्य किसी भी सीट पे राहुल गांधी जी चले जाएं वो हारेंगे, इस सीट पे आए तो हम तो स्वागत करेंगे। उत्तर प्रदेश की हॉट सीट अमेठी से 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस ने राहुल गांधी को ही उम्मीदवार बनाया था। हालांकि तब उन्होंने अमेठी के साथ ही केरल की वायनाड लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ा था और 2019 में वो वायनाड से जीते थे, लेकिन अमेठी में उन्हें स्मृति ईरानी ने हरा दिया था।
और जब से स्मृति ईरानी ने अमेठी में विजय पाई है तब से वो राहुल गांधी पर हमले करने से चूक नहीं रही। उधर राहुल गांधी से जब अमेठी सीट को लेकर सवाल किया गया तो इसका जवाब देने के बजाय उन्होंने टाल दिया। 26 तारीख पर वायनाड का वोट हो जाएगा, उसके बाद गांधी का काफिला अमेठी आएगा। लेकिन राहुल गांधी ने जो तथाकथित रिश्ता अमेठी से जुड़ा था 15 साल लापता रहकर, वो रिश्ता तोड़ दिया जब वो वायनाड चले गए। 15 साल लापता सांसद को सबने धोया, 15 साल सम्मान किया रिश्तों का, जब वो रिश्ता तोड़ गए, अब आएंगे 26 बाद नया रिश्ता बनाने का प्रयास करेंगे, पुराने रिश्तों की दुहाई देंगे। देखिए अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। हालांकि अमेठी सीट पर अभी कांग्रेस पार्टी असमंजस में है और पार्टी के इसी रवैये को बीजेपी अपनी ताकत भी मान रही है। कुछ रोज पहले प्रधानमंत्री ने भी एक रैली से राहुल गांधी पर सीधा हमला बोल दिया था। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके अलायंस के साथी भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। अमेठी और रायबरेली सीट पर सालों से गांधी परिवार के प्रत्याशी चुनाव लड़ते आए हैं और इसी वजह से अमेठी को हॉट सीट माना जाता है। लेकिन अभी तक भी अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार कौन होगा, इस पर कांग्रेस ने अब तक अपने इरादे साफ नहीं किए। लेकिन कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इन दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा सकता है।